आप में से जो लोग गर्मियों की सब्जियों की शुरुआत करना चाहते हैं वो अब एक काम कर सकते हैं कि जून में अगर आप अपनी सैपलिंग्स को इंडोर में रेज करें और बारिश के बाद जुलाई में उनको बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करें तो आप भी इन सब्जियों का मजा ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे लिए क्या क्या चीजें काम की है। मैंने गर्मियों की सब्जियों को उगाया है गार्डन सॉइल कोकोपीट और कॉम्पोस्ट के इक्वल प्रोपोर्शन से बने सॉइल मिक्स में। उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करके महीने में एक बार कोई भी ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट अपनी सब्जियों को दिया है। और बेहतर परिणाम के लिए डायल्यूटेड बटर मिल्क और डायल्यूटेड बायोएंजाइम मैंने पौधों को महीने में एक बार जरूर दिया है। और कीट पतंगों से बचाव के लिए मैंने इनका फोलियर स्प्रे भी किया है। मैंने मिनिमम 12 इंच गहरे पॉट में अपनी सब्जियों को उगाया है, इससे गहरा पॉट और भी बेहतर है। साथ ही बेल वाली सब्जियों को सपोर्ट देना ना भूले, इससे यील्ड और साइज दोनों पे फर्क पड़ता है।